आरएसएस ने देश में कर दिया खेल। क्या शिवराज को इस्तीफा देने के लिए मना लिया? शिवराज की मंत्री पद छोड़ने की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनका पूरा कैबिनेट शपथ ले चुका है। इस कैबिनेट में इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जुड़ा है। शिवराज को मोदी सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन शिवराज के कृषि मंत्री बन जाने के बावजूद बार बार मांग उठ रही है कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आम जनता ये मांग उठा रही थी, चलिए समझ आ रहा था। फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी उन्हें लेकर एक सकारात्मकता थी, वो भी समझ आया। लेकिन अब तो अंदर खाने खबर है कि आरएसएस भी यही चाहता है। खबर तो ये तक है कि आरएसएस शिवराज को मना रहा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार है। हालांकि शिवराज का अध्यक्ष पद पर आना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब नए नवेले मंत्री बने शिवराज इतनी जल्दी इस्तीफा तो कतई नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्हें अध्यक्ष पद पर ही बिठाना होता तो फिर उन्हें मंत्री थोड़ी बनाया जाता। लेकिन हाँ, शिवराज आरएसएस की पहली पसंद बने हुए हैं और मौजूदा हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आरएसएस का कोई करीबी और पसंदीदा ही इस कुर्सी पर इस बार विराजमान होगा। वैसे आरएसएस के मन में पहला नाम शिवराज का है, तो वहीं दूसरा नाम राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन राजनाथ से ज्यादा शिवराज का व्यक्तित्व उन्हें देश दुनिया में चर्चा का विषय बनाता है। दिलचस्प बात देखिए, शिवराज मोदी सरकार में इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। विदिशा सीट से लगभग 8.5 लाख के मार्जिन से वो जीते हैं। इतना बड़ा अंतर तो नरेंद्र मोदी नहीं ले पाए, इसीलिए वो सबकी पहली पसंद के तौर पर देखे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सुलझे हुए नेता हैं, इसलिए भी मामा को आरएसएस इस गद्दी पर बिठाने की लगभग प्लानिंग कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस राजनाथ और शिवराज में से किसी एक को इस पद के लिए ज्यादा सही मानता है। रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह और मोदी नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई भी अध्यक्ष बने। शाह और मोदी किसी प्रभावी पदाधिकारी को शीर्ष पद पर बैठाना चाहते हैं। उनके पसंदीदा नेताओं में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल हैं। ये दोनों नेता पार्टी में ऊंचे पद संभाल चुके हैं। दोनों में पार्टी चलाने का अनुभव भी है, साथ ही संगठन में अपनी योग्यता भी साबित कर चुके हैं। इनमें से किसी एक की पार्टी प्रमुख के तौर पर नियुक्ति होने की संभावना है। वैसे सिर्फ ये रिपोर्ट ही नहीं बल्कि खुद शिवराज भी ये बात कह चुके हैं कि वो जेपी नड्डा के समय के मंत्री हैं, उन्हें उतना ही अनुभव। बहरहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि नड्डा की जगह शिवराज को मिलती है या नहीं। आपके हिसाब से शिवराज को अध्यक्ष पद पर आना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।